नमस्कार। आज मैं जो है शरद पूर्णिमा के दिन माँ चंद्रिका देवी के दर्शन करने गया था, वो आप लोग के सामने मैं वीडियो दे रहा हूँ। आशा करता हूँ कि आप लोग उसे पसंद करेंगे, मतलब लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और जो है अधिक से अधिक संख्या में कमेंट्स भी लिखेंगे। माँ चंद्रिका देवी का दर्शन किया, साथ में लगा हुआ बजरंगबली का मंदिर है उनके भी दिखिए, और उसके बाद माता सिद्धपीठ बगलामुखी के दर्शन, बगलामुख पीताम्बरा देवी का दर्शन भी किया जो कि जरा सा चंद्रिका देवी मंदिर से थोड़ी सी दूर पर है, दाहिनी तरफ रास्ता है, और वहाँ पर माँ पीताम्बरा का मंदिर है, शंकर भोलेनाथ जी का मंदिर है, शनि देवा का मंदिर है, साईं बाबा का भी मंदिर है। इतने मंदिर एक साथ है, तो ये मंदिर की जो सजावट हुई है माँ के पूरे उसमें, वो मेरे प्रिय शिष्य विष्णु ने कराई थी जो कि खुद एक सुनार हैं, तो उसमें जगमग करते हुए उन्होंने पूरे माँ के सिंहासन को सजाया है, साईं बाबा के सिंहासन को सजाया है। मैं उनका बहुत आभारी हूँ कि जो है मेरे शिष्य ने एक ऐसा कार्य किया है कि वो है। अब मैं बताऊँ माँ चंद्रिका देवी का मंदिर कहाँ पर है लखनऊ में। ये लखनऊ शहर में, यदि आप एयरपोर्ट से आते हैं, अमौसी एयरपोर्ट से आते हैं, तो आपको करीब 45 किलोमीटर पड़ेगा, मुंशीपुलिया से 25 किलोमीटर पड़ेगा, चौक से कम से कम नहीं तो 30-35 किलोमीटर पड़ेगा। माँ चंद्रिका देवी का मंदिर जो है NH 24, नेशनल हाईवे NH 24 है, और जिसको हम लोग सीतापुर रोड भी जानते हैं, वो गया हुआ है। और सीतापुर रोड पे आप चलते चल जाइए, भव्य द्वार है, बाईं तरफ मुड़िएगा, अंदर की तरफ कम से कम 11 किलोमीटर जाके माँ चंद्रिका देवी का मंदिर पड़ता है। दर्शन अति आज सुलभ हुआ, माँ के दर्शन किए। अब मैं उसका इतिहास बताता हूँ कि त्रेता युग में भगवान श्री रामचंद्र जी के भाई लक्ष्मण जी, उनके बेटे चंद्रकेतु, एक बार किसी कार्यवश जा रहे थे, रात्रि हो गई, घने जंगल में प्रवेश कर गए, कुछ भी नहीं दिख रहा था, तब उन्होंने माँ को याद किया। चंद्रिका देवी असल में माँ दुर्गा का एक रूप है, उन्होंने माँ को याद किया और तक्षण उस घुप अंधेरे में चांदनी रात की रोशनी जैसी फैल गई, माँ चंद्रिका देवी उनके सामने प्रकट हो गई। चंद्रकेतु ने विधिवत उनका पूजन किया, उसके बाद जो है उन्होंने वहीं पर माँ चंद्रिका देवी के मंदिर की स्थापना की। ये त्रेता युग की बात है। तो आप लोग जो है शहर के किसी कोने से आप जाइएगा तो आपको बहुत अच्छा रास्ता है, अंदर की तरफ सीतापुर रोड मतलब NH 24 से जब बाईं तरफ मुड़िएगा तो चारों तरफ हरियाली हरियाली है, आंवला अमरूद आम के बड़े बड़े पेड़ मतलब बागान है, उसी के बीच में पक्की सड़क बनी हुई है, और आगे चलते चलते उनका भव्य द्वार पड़ता है, फिर आप अंदर जाइएगा भव्य दरबार पड़ता है। तो एक बार हाथ उठा के बोलिए जय माँ चंद्रिका देवी नमस्तुते। अब आप लोग आगे देखिए कि मैं कैसे गया और क्या क्या देखा, और साथ में माँ पीताम्बरा के दर्शन करिएगा, शनि बाबा शनि धाम में शनि बाबा के दर्शन करिएगा, हनुमान जी का, वो अलग एक मंदिर है चंद्रिका देवी मंदिर से, मतलब जब आप वहाँ से आएंगे NH 24 तो पहले ये पड़ता है बगलामुखी पीताम्बरा पीठ, उसके बाद आगे और चलते चले आएगा तब माँ चंद्रिका देवी का भव्य दरबार का मंदिर मिलता है। चंद्रिका देवी मंदिर में एक बहुत बड़ा सा यज्ञशाला भी है, उसके सुनंदा जो है क्या कहते हैं एक मतलब वो है सरोवर है, उसके ऊपर भगवान शंकर भोलेनाथ जी की नीले रंग की प्रतिमा है, बहुत ही सुंदर दृश्य चारों तरफ हरियाली, बीच में बहुत बड़ा सा जो है क्या कहते हैं मतलब आपको कुंड जिसको सुनंदा कुंड कहते हैं, और उसी पर भगवान शिव है। अब आप लोग आगे देखिए और माँ की जय जयकारा करिए।
सरोवर है चंद्रिका देवी मंदिर का, बहुत गहरा सरोवर है चंद्रिका देवी मंदिर का। मैं चंद्रिका देवी मंदिर पर दर्शन करने जा रहा हूँ। सामने माँ चंद्रिका देवी का मंदिर का भव्य द्वार है, दरबार है। ये देखिए यहाँ से जब बहुत भीड़ होती है इस तरह से लाइन लगती है। जय टू माँ चंद्रिका देवी। चंद्रिका देवी मंदिर लखनऊ में हूँ और वहाँ का ये बाज़ार में भी, क्योंकि अभी मंदिर खुलने में देर है, 2 बजे मंदिर खुलेगा। लो यू एक के साथ रखो, मतलब वीडियो बना लो अपने घर में बैठ के। मेरे पास है ये चंद्रिका देवी का मंदिर है और जो है 2 बजे खुलेगा चंद्रिका देवी दरबार। सामने माँ का मंदिर है, अभी आप लोग को माँ के भी दर्शन करा देंगे। ये माता बगलामुखी का धाम है, यहाँ पर शनिदेव भी हैं, भगवान शनिदेव भी हैं और श्री साईं बाबा भी हैं। ये जो है हमारे जो शिष्य हैं विष्णु, उन्होंने इस माता के दरबार को सजाया है। देखिए कितना सुंदर लग रहा है। जय माँ चंद्रिका। ओम शं शनिश्चराय। सीतापुर रोड पे जो है मंदिर है, माँ पीताम्बरा है और शनि देवा का मंदिर भी है और पीताम्बरा का जो दर्शन आपको कर चुके हैं। ओम शं शनिश्चराय नमः। ओम शं शनिश्चराय नमः।
और हनुमान जी महाराज भी हैं यहाँ पर। ओम शंकर शंकर।